ओके हाँ बघा आमचा शेत, सो इट्स अनदर डे विथ अनदर शूज अँड हिअर इज अवर बेस्ट द सेम शूज थोडे माखलेत पण चालून जाईल. चला निघूया. इट्स रोड यार, आमच्या गावात हे एकच नाही आवडत. बघा तेव्हा रस्ते ओले असतात. दम लागला वाटत. असे आमचे रस्ते ओले होतात. हे बघा गाडी धुवून काहीच फायदा नाही, लगेच माखणार आमच्या गावात. मला जाऊ दे. लाल परी हिजा पहिले पुढे जाऊ दे दूध माकवर. सो हॅलो, नमस्ते, वडक्कम, सस्त्रियाकाल. अजून काय राहिलंय का? तो अभी मैं जा रहा हूँ आदर न्यू पनवेल. और न्यू पनवेल भी इसलिए बिकॉज मुझे मेरे जो भाचा, हिंदी में भांजा और इंग्लिश में मुझे नहीं पता, तो उसको पिकअप करने जा रहा हूँ मैं स्कूल से. और जिस दिन आप ये ब्लॉग देख रहे हो ये उसी दिन शूट हुआ है. जैसे कि लास्ट डे, मतलब कल भी मैंने एक ब्लॉग डाला था तो वो उसी दिन शूट होके मैंने अपलोड किया था. अभी ऐसा नहीं है कि ब्लॉग डेली आएंगे, लेकिन अपने मूड के ऊपर है. अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जानता. आमच्या पनवेलचे रिक्षावाले एकदम रायडर आहेत. लास्ट टाईम अक्षयसोबत एक सीन झाला होता, पाठवून येऊन धडकलेला रिक्षावाला. सो यार, आमच्या पनवेलला केवढी थंडी पडले ना. आता वाजलेत 12 आणि मला एवढी थंडी वाजते ना, काय सांगू. स्वेटशर्ट घालून निघलोय. हे बघा काय माहिती, आता जे समोरचे आता आरसे नाहीत त्याच्यामुळे मी तुम्हाला स्वेटशर्ट दाखवू नाही शकत. लय थंडी वाजते मला. बघूया कॉर्नर भेटतंय का. ए बाबा चल लवकर कॉर्नर घ्यायचं मला. शा ठीक से कॉर्नर कर नहीं पाया बिकॉज वो बाबा म्हातारी की वजह से उतना कॉन्फिडेंस मिल नहीं पाया. ट्रैफिक इज लाइक चाय की जो गालनी रहती है ना, गालनी, हमारे मराठी में उसको गालनी बोलते हैं, जिससे चाय छानते हैं. और हमारी बाइक इज लाइक चाय, ऐसा फिल्टर करके निकल जाती है डायरेक्ट कप में, मतलब डायरेक्ट हमारी डेस्टिनेशन की तरफ. मतलब जाओ दे ये ट्रैफिक इस रोड पे नॉर्मल है. आज काहीतरी आहे येताना थोडासा. ओ ब्रेक ऑसम, कालच ब्रेक पॅड बदललेत. समोरचे पण ब्रेक सेटिंग करूनच घेतले. ये पल्सर जो एक ऐसी बाइक है जिसको आप जितना भी थ्रॉटल दो आपकी
फट जाएगी, लेकिन इसके इंजन को फर्क नहीं पड़ता। देखना है, आई मीन थर्ड गियर 84। तो 109, कल हम 105 पांच टच हुए थे लास्ट वीडियो में, आज 109। और इसके आगे भी मैं चला जाता, लेकिन ट्रैफिक बहुत है। वो मैग्नेट कॉइल का ना आवाज ऐसा आ रहा है ना, तो दिमाग का एकदम भो, वो आवाज़ मुझे चुभ रहा है, लिटरली चुभ रहा है। बिकॉज मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको बाइक हमेशा परफेक्ट लगती है, मतलब परफेक्ट कंडीशन में रखने को मुझे मज़ा भी आता है। मतलब वो होता है ना, बाइकर्स और बाइक का, अपने गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा हम लोग अपने बाइक का ख्याल रखते हैं। और वो आवाज़ से ना एकदम डोका भिंड भिंड जाए, आणि तो लवकरच करायला लागेल, पण ह्या महिन्यात थोडेसे खर्च जास्त आहेत, तो वो सारे खर्चे पहिले कर देंगे और उसके बाद बॅटरी और मॅग्नेट कॉइल। अभी ऐसा है कि मैं बस काम चला रहा हूँ, गाड़ी चल रही है तो काम चलाने का, ऐसा घो लयच पुढं आणि मला जायचं त्या बाजूला। हा रोड नको यार, जाऊ दे चल। भांजे की स्कूल छूटने के लिए अभी बचे सिर्फ 15 मिनट, इसलिए मैं जा रहा था पीछे की रास्ते से, मतलब टक्के पर से न्यू पनवेल। जो पनवेलकर से उनको वो शॉर्टकट पता ही होगा, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली मुझे सामने से जाना पड़ेगा। शिट, म्हणून इथून यायची नाही वाटत। त्या बाजूशी गेलो ना, एक पण सिग्नल नाही लागत, एक पण नाही। तू न्यूट्रल कराल ना तरी गाडी जाईल, पण मी गाडी बंद करणार नाही। दादा कसला बघतोय, मला ऑकवर्ड होतो, अशी जेव्हा लोक बघतात ना तेव्हा खूप ऑकवर्ड होतं मला। ऑकवर्ड मत करो यार ब्लॉगिंग करणे, तो मेरे को एक तो 5 महिने बाद मैं ब्लॉगिंग कराव, 5 नहीं ऑलमोस्ट 6 कलेक्ट डाला, और आज भी ये ब्लॉग ऑन द वे। लिटरली अपनी बाइक जो है वो गुर्राती है, सी आवाज। और इसके आवाज के रिलेटेड मैं एक मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ, जो KNN का एयर फिल्टर है। अच्छा, इधर किसी के तो कोचिंग एकेडमी होने वाली है क्रिकेट की, कोई तो बड़ा क्रिकेटर है शायद उसकी। जूडियो, अभी अपने न्यू पनवेल में भी एक जूडियो हो चुका है, सेल लगी है 299। ओ आवाज के ही तो सारे पैसे है, विदाउट एग्जॉस्ट। अभी अपने सोसाइटी में ना ऐसे भी कई लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि बाइक पे
अंडर बेली एग्जॉस्ट भी आता है। कई कई लोग मुझे मिलते हैं इसका साइलेंसर कहाँ है बोलते हैं। अरे साइलेंसर आए यार, पर तो आत्मदी है, अंडर बेली है, वो दिखता नहीं। और अंडर बेली के जो अपने ही अलग ही फायदे है। सगत पहला पाय बाधत नहीं, दूसरा माला माहित नहीं। यहाँ से राइट अलोच अलोच हाँ, पण एकटा असल्यावर आता तू असल्यावर कसं चालवणार? हाँ तू मोठा झाल्यावर हा, तुला पण तशी गाडी घेऊन देऊ आपण, त्यापेक्षा भारी। तो गाइस अभी भांजे को पिकअप किया है तो घर पे जा रहा हूँ। हाँ कुठली ये गाड़ी भारी छे, ती चांगली नाही, ती त्यांनी पाठण दुखते, पाठण वाकून चालवायला लागते ना, नाही काय ही गाडी आवडते तुला? का आवडते? का आवडते? का आवडते पण? हा हा मामाची गाडी आहे म्हणून। फोन करायचा तिथं करू, किती करायचा भाव करायचा? थांब करू, थांब आपण गाडी बाजूला घेऊ। करू करू कसा होता आवाज? सो जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ ना भांजे के साथ, तो तभी ये मैं करता हूँ, तो इसकी वजह से उसे भी आदत लग चुकी है। अपना यूट्यूब चैनल है ना, तो त्यांचे बघ कॅमेरा लावलाय बघ, तर त्यांना सांगत होतो की मयंक बोलला की तिथेशी असं जोरात करायचा, मग केला हे काय ठेवलंय फिश, ते फिश पॉट काय ते बोलतात, ए इथं नाही तो ऊवाला तिकडं दिसल, ऊ तर आपण बघतो ते ना, तो पुढे आम्ही दाखवतो। दादा दोन ग्लास दे ना, हिमें कच्चा है, कसा है मत्ते? मुशी आली बघ तुला, मुशी आले बघ, मुशी मुशी बघ काय सॅन्ट क्लॉज दिसत, रुवाल पाहिजे थांबा देतो जाप दादा एक, थँक्यू दर रुमाल लवकरच मुशी पिकली तुझी। Thank you.